अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फेम। बकरी स्पेशल रेसिपीज में आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा फेमस, मजेदार और इजी चपली कबाब की रेसिपी। हम कबाब को फ्राई करते जाएंगे और चपली कबाब बनाना शुरू करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो मटन का कीमा। कीमे को मैंने मिक्सर के जार में डाल के फिर से दो बार दरदरा सा पीस लिया है। अगर कीमे के पीसेस मोटे रह जाएंगे चपली कबाब में तो चपली कबाब टूटने का डर है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया इसे। आप चाहें तो ये कबाब चिकन कीमे में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मटन कीमे के चपली कबाब बहुत ही ज्यादा मजे के बनते हैं। चपली कबाब बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डालना है, उसे मिक्स करके फ्राई करना है। तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। कीमे में डालिए 2 टीस्पून जीरा, 3 टीस्पून साबुत धनिया को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, देखिए इस तरह से, इसे भी डाल दें। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2 टीस्पून क्रश की हुई लाल सूखी मिर्च, ये रेडीमेड भी मिलती है, ये आप डायरेक्टली मिक्सर के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, यानी दरदरा सा पीस लें ड्राई रेड चिलीज को, सूखी लाल मिर्च को। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून अदरक को मैंने बारीक कट कर लिया है। अगर आपके पास अदरक ना हो तो आप डायरेक्टली अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दें आपके टेस्ट के हिसाब से। चपली कबाब का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अनारदाना, यहाँ मैं 2 से 3 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दें। ये इसीलिए डालते हैं क्योंकि अच्छे से खटास लाती है चपली कबाब में, इसे डाल दें। नेक्स्ट हमें चाहिए 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, ये बाइंडिंग के लिए है। नेक्स्ट हम इसमें 3 टीस्पून घी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। 2 मीडियम साइज की प्याज को देखिए इस तरह से बारीक काट लें। थोड़े से धनिया के पत्ते, 2 या 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 मीडियम से थोड़े बड़े साइज के टमाटर, देखिए इस तरह से काट लें। अब हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। नमक मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा डाल के फिर से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मिक्स करते रहिए इसको, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह से मिक्स करिए, तभी परफेक्ट बनेंगे हमारे चपली कबाब। चपली कबाब मसाला तो हमारा रेडी है, आखिर में हम इसमें एक अंडा डाल देते हैं। अंडा अच्छी बाइंडिंग देगा, फ्राई करते वक्त कबाब नहीं टूटेंगे, इसे भी मिक्स कर लें। चपली कबाब मसाला तो रेडी है, चलिए अब हम कबाब को शेप दे देते हैं। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लें और जितने साइज का कबाब बनाना हो उतना मसाला ले लें, ये कबाब थोड़े से बड़े ही बनते हैं। सबसे पहले इसे एक राउंड शेप दे देते हैं, देखिए इस तरह से एक राउंड बॉल शेप देने के बाद थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से प्रेस कर लें, राउंड शेप देते जाइए और इस तरह से प्रेस करते हुए इसका साइज बढ़ाते जाइए। हम इन्हें इसलिए बड़े साइज के बनाते हैं क्योंकि फ्राई करने के बाद फिर से इनका साइज जो है छोटा हो जाता है, इसीलिए पहले ही आप थोड़ा सा बड़ा बना लें। इस तरह से बनाने के बाद टमाटर को देखिए इस शेप में काट लें और बीच में रख के प्रेस कर दें। पहला चपली कबाब फ्राई करने के लिए तैयार है, इसे ही करके सभी चपली कबाब हम बना लेते हैं। दूसरा चपली कबाब भी हमारा तैयार है,
कबाब फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें। मैं आपको पहला कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। ये टमाटर का जो साइड है उसे नीचे के साइड डाल दें। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसे ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं, डिस्टर्ब ना करें। वीडियो के नीचे देखिए इस तरह से सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, उसे प्रेस कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए एक बेल आइकॉन नजर आएगा, इसे भी प्रेस कर दें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑल, पर्सनलाइज और नन, तीन ऑप्शंस आएंगे। ऑल प्रेस कर दें तभी आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी फ्री। एक मिनट या दो मिनट के बाद इसे टर्न करके देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है हमारा कबाब। अगर इस तरह से थोड़ा सा ओपन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टूटेगा नहीं। चपली कबाब ऐसे ही बनता है। टर्न करने के बाद गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करते रहिए। चपली कबाब हमारा कितना मजे का लग रहा है। बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल रेसिपी है ये। दूसरा कबाब भी फ्राई कर लें। एक वक्त पे आप दो या तीन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना होगा जलने ना दें। पैन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये कबाब हमारा पीछे के साइड भी देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऐसा कलर आना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं चपली कबाब आपको कैसा लगा, तभी मुझे मालूम होगा कि मेरे रेसिपीज आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी देख सकें और सीख सकें। लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।